इस टेक्सचर में मैं कह रही थी कि हम वो मिक्स करेंगे दूसरी रेड इसके ना स्टोन निकाल देंगे, क्योंकि देखिए ना मल्टी स्टोनी रेड भी तो है। तो उस तरह का यही टेक्सचर बन गया है, इसमें डिफरेंट स्टोन ऐड हो गए हैं। ऐड तो मैंने थोड़ा ब्लैक ही किए थे, लेकिन अब इसलिए मैं चाह रही हूँ ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, वरना दोनों टेक्सचर एक जैसे लगेंगे। वैसे मज़े का टेक्सचर था, मज़ा आया। आगे चलते हैं इधर, ब्राउन टेक्सचर। ये वही हार्ड चंक्स वाला। जो फुल जोर लगा के स्मैशिंग होती है ना, मुझे वो बहुत पसंद है। जो आहिस्ता वाली होती है ना, मुझे नहीं वो पसंद। इसके लिए मैं सोच रही हूँ स्टोन ज़रा कम कर दूँ, ब्राउन टेक्सचर भी रिन्यू करूँ। करेंगे आहिस्ता आहिस्ता सब करेंगे। को मिक्स करते हैं। चलें जनाब आगे चलते हैं। ओह शिट, ये टेक्सचर मिक्स ना हो। पहले सैंड का कलर थोड़ा डल हो गया है। अच्छा हाँ, सर आपको एक बात करनी थी कि हाँ, ASMR ने कल मेरी वीडियो शेयर की और उन्होंने लिखा हुआ था कि कीप गोइंग, नेवर गिव अप, ऐसा था मैसेज उनका। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जब आप किसी बंदे को वो करते हैं ना एडमायर, किसी बंदे से इंस्पायर होते हैं और वो आपको आगे से ऐसे कॉम्प्लीमेंट दें, तो बहुत खुशी होती है। आप यकीन माने मुझे इतनी खुशी हुई ना, रियली आई वॉज सो सो हैप्पी। थैंक यू सो मच ASMR, आई जस्ट लव हर वर्क, शी इज इनक्रेडिबल। अच्छा, मुझे कल किसी ने कहा था कि जब आप ये अरेंज करती हैं ना तो ब्रश भी कर दिया करें। हाँ जी ज़रूर, मैं करती भी होती हूँ। वो बस कल मेरा एक हाथ मोबाइल ट्राईपॉड पे नहीं था, तो बस एक हाथ में फ़ोन था, तो अब इसको भी अरेंज कर लूँगी। जो क्रमलिंग की है इसकी मैं शेप्स बना लूँगी। ये चलें आपके साथ ही बनाते हैं, ज़रा डिफरेंट हो जाएगा। मैं पानी लेके आती हूँ। गई थी मैंने आपको न्यू शेप्स दिखाई थी, हमारे पास दो न्यू शेप आई हैं। ये मेरे पास पहले नहीं थी, और ये भी, ये मेरी मम्मा लाई हैं
और थैंक्स टू हर। चलें इसको हम उनकी रिक्वेस्ट भी पूरी हो जाएगी, इसको क्लीन करके अरेंज करते हैं। ये सारा इसका टेक्सचर है, चलें देखते हैं कैसी बनती है। नाइस, प्यारी निकली है। छोटी बनाते हैं, इसका एक ही बनाएंगे ना, फिर एक ये बनाते हैं और फिर मैं ऑफलाइन बनाऊंगी क्योंकि ये क्रम्बलिंग व्लॉग है। नाइस, ये भी अच्छी निकल गई। मैं बाकी बना के आपसे मिलती हूँ। मैंने कही थी हमने सारी शेप्स बना ली हैं, अब हम क्रम्बलिंग को कंटिन्यू रखते हैं। जो ये स्टोन है ना हमारे पास, ये जिसके पास सीमेंट लगा हुआ था, ये मैं डालूँगी मल्टी स्टोन रेटेड में। चलें इधर आते हैं। Thank you.
वाटर क्रमलिंग भी की है, वाटर क्रमलिंग भी की है हमने इस ब्लॉग में, फ्लोर क्रमलिंग भी की है, अब हम ड्राई क्रमलिंग कर लें। आगे चलते हैं, ये देखें, अगर आपको याद हो जो मैंने वाइट ग्रीन टेक्सचर से लिक्विड सेपरेट किया था, ये मैंने सारा कल डिप कर दिया था और इसमें बहुत ज़्यादा गंद भी आ चुका है। इसको मैं साफ करूँगी, इसमें सीमेंट मिला के डर्ट उसमें ऐड कर देंगे हम इसको, थोड़ी सी मर्ड जो भी बन सका बना दूंगी, थोड़ा सा तो है। ये देखें कितने कितने ज़्यादा वो हैं, गाइस ये भी मुझे मिल गया है, थैंक गॉड के चंक्स क्रम्बल करते इतने में थोड़ी सी, इसमें मैं थोड़ी सी सैंड ऐड करनी है ताकि इसका हार्डनेस का मसला कम हो। चलें जनाब, आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आई एम सो सॉरी वीडियो नहीं बना पाई, कोई देखिए अंधेरा भी हो गया यार, अब मैं मल्टी स्टोन टेक्सचर बनाने लगी हूँ, शायद उसको रिकॉर्ड कर पाऊँ और शायद नहीं, तो उसके लिए मैं आपको पहले ही कह रही हूँ यार। मैंने ना बस मेरा एम है कि आज मैं एक टेक्सचर बना लूँ वरना रह जाता है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।